हाय ज्ञानेश्वर, दिव्या, हिताश, सिमी चौरसिया, हाय द्विक स्क्वाड, हे ओला 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 ओला, एंड यप, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर पीपल टू जॉइन इन एंड देन वी विल स्टार्ट. ओके, आई थिंक वी शुड बिगिन. या, व्हाई नॉट. ओके, सलाम नमस्कार, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ अ शो दैट कम्स वंस अ ईयर, इज कॉल्ड विवेक की जीत. डिड यू नो अबाउट दिस? नो, आई डिड नॉट. दिस इज अ ब्रांड न्यू एपिसोड दैट वी हैव स्टार्टेड राइट नाउ विद दिस. इट्स रियली ब्रांड न्यू क्योंकि इस बारे में मुझे भी आइडिया नहीं था. या, सो दिस इज द फर्स्ट वन एंड देन नाउ वी कैन कीप डूइंग दिस एवरी ईयर. Absolutely, we should do it. In fact, more often. सिर्फ जीत के दिनों में ही नहीं. No, but this one is called Vivek ki Jeet, so it has to be done today only. Okay. And then, yeah, if there are more reasons for us to celebrate, then of course we can more keep doing it. More reasons or one reason? Or one reason. One reason, you know, one reason. Yeah, समझदार लोग समझ जाएंगे. Okay. और जो लोग नहीं समझे वो पता लगाएंगे. हाँ, so guys, this is a very exciting episode because. What I've planned in this episode to do is nothing. Yeah, I have. You just scared me. I was like, oh my god, he has come with plans. And I have. I have. नहीं नहीं मैंने मैंने छोटा सा कुछ plan किया है. I'm going to be asking you questions. Okay, हाँ ये चलेगा. देखो क्योंकि नच की बात होने वाली है और मेरी याददाश्त का नेचर तो आप जानते ही हैं, बहुत अच्छा नहीं है. So please be lenient. याद नहीं होगा. Because I was also there, ना. तो आई कैन रिमाइंड यू. तो अगर नंबरिंग वगैरह का चक्कर नहीं है तो मैं खेलूंगी. नंबरिंग का कोई चक्कर नहीं है. नंबरिंग बस फिर ठीक है, फिर ठीक है. नंबरिंग का कुछ नहीं है. तो तुम्हें तुम्हारा जो हैम्पर होगा वो मैं तुम्हें लाइव के बाद दूंगा. ओके, वो हैम्पर जो मुझे मिलने वाला है अगर मैं नहीं जीती तो आपको मिल जाएगा, फिर बाद में मैं यूज करूंगी. हाँ नहीं, ऐसा नहीं होगा. नहीं नहीं नहीं, वो हैम्पर मैं खुद ही यूज करूँ. बट कोई हैम्पर है नहीं, कोई हैम्पर है नहीं. क्या यार, अच्छा चलो ठीक है. सो आर यू गाइस रेडी? आई एम. यू गाइस रेडी? आर यू गाइस रेडी? ओके, सो आई एम गोना बी शोइंग हर सम, दिस इज ऑल सेंट बाय फैंस ओनली, सो प्लीज पुट योर हैंड अप इफ यू आर द वन हु सेंट दीज लवली कार्ड्स विद आवर पिक्चर्स ऑन इट. ओ दे बेसिकली लॉट्स ऑफ देम. ये कहां से आया आपको पता है? I've saved it, I've kept it with me, amongst other things. ये मेरा रूम डेकोरेट किया गया था, मेकअप रूम, by a few people. And उन लोगों ने सरप्राइज देने के लिए, of course, I think Instagram celebration था, कुछ तो celebration था. तो बहुत beautiful, तो it was such lovely pictures that I didn't feel like parting with them. Okay, so we will party with them now. ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि ये नच बलिए के बारे में है ये शो, तो हम नच के कार्ड्स उठाएंगे एंड आई एम गोना बी शोइंग यू और यू हैव टू टेल मी व्हाट रिमाइंड्स यू, यू नो वेयर डज दिस टेक यू. यू वांट मी टू टेक देम ऑफ? नो नो, दिस इज माय गेम, आई एम द होस्ट. देखो आदत हो गई है घर में कुछ कुछ हेल्प करते रहने की. ओके, तुम कमेंट्स पढ़ो. हाँ, मैं इन द मीनवाइल कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स नहीं मिस होने चाहिए. गाइस, यू कैन थ्रो इन क्वेश्चंस रिगार्डिंग नच बलिए, प्लीज डू, एंड देन वी विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम. लाइक बिसाइड्स हेलो एंड लव यू सो मच, वी वुड लाइक टू आंसर क्वेश्चंस, वी वुड रियली लाइक दैट. ए पुटुया स्टिका फ्रॉम इंडोनेशिया, थैंक यू मेघा. I'm still trying to spot questions. देखो हम लोग बहुत interesting बातें करने वाले हैं, but before we start off with that, हम लोग time ले रहे हैं, you know, so bear with us. Okay, anybody that I know a lot of names here. आप लोग के मैं comments पढ़ती रहती हूँ. सवाल बवाल है तो पूछ लो. देखो भाई यही मौका है. Have you seen the video that we made? DV Divek World. I'll definitely check it after this, for sure. And मैंने बहुत सारे edits देखे हैं, by the way. Honestly, मुझे याद भी नहीं था कि आज का ही वो शुभ दिन है जब हम लोगों ने नच बलिए जीता था. After I started receiving so many countdowns की tagging,
एंड इतने सारे प्यारे प्यारे एडिट्स आने लगे, वीडियो एडिट एंड कोलाजेस, दे वर ब्यूटिफुल. एंड इनफैक्ट मुझे तो ये, मैंने आज ये रिकन्फर्म किया कि 25 तारीख ही थी क्या. सो थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग आर स्पेशल डेट्स. हम भूल जाएं लेकिन आप याद रखते हो, ये बहुत बहुत स्पेशल चीज़ है हमारे लिए. वी इट रियली मीन्स अ लॉट. कहाँ बिजी हैं? ओके, आई थिंक आई शुड शो यू कि कहाँ बिजी हैं. दे आर ऑल स्टक टुगेदर. अरे सब चिपके हुए हैं यार, मैं निकाल रहा हूँ एक सेकंड. यार जैसे कि मैंने बताया, ये एक सरप्राइज था, तो वो दीवार पे चिपका हुआ मुझे मिला था, बट आई डिडंट फील लाइक यू नो, उसको मन नहीं किया मुझे डिस्कार्ड करने का. इतने प्यारे कार्ड्स हैं ये पिक्चर्स के, मेमोरीज फॉर एवर. सो मैंने बस स्टैक करके रखा हुआ है. आई डोंट नो मैं क्या करूँगी इसके साथ में, बट आई हैव. कर तो रहे हैं. या ये आज फाइनली काम आ गया. यू नो, आई हैव गॉट रियली ब्यूटिफुल एल्बम्स, पिक्चर एल्बम्स जो कि फैंस ने बनाए हैं. सो इतने खूबसूरत गिफ्ट्स आते हैं ना, तो मन करता है कि इनको हमेशा सहेज के रखो. तो वो अभी भी हमारी लाइब्रेरी के अंदर रखे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे क्रिएशंस हैं वो. आर यू डन? ओके, आर यू गाइस रेडी? दैट वाज अ कमर्शियल ब्रेक दैट आई हैड टेकन. एंड मी आई वाज लाइक एंड यू वर यैपिंग. या सो अब लेट्स बिगिन. ओके, सो दिव्यांका, आई एम गोना शो यू द फर्स्ट पिक्चर व्हिच इज दिस. What does this remind you of? Okay, so ये हमारा प्रोमो शूट था. और ये करते वक्त, प्रोमो शूट के लिए जब हम लोग डांस कर रहे थे, बॉल रूम डांसिंग, एंड मुझे जेन्युइनली लगा था डांसिंग इट्स नॉट रियली दैट डिफिकल्ट. ये तो कुछ भी नहीं है, केक वॉक है, देखना क्या कर दिखाएंगे हम. तो ये कि बहुत ही फॉल्स नोशन क्रिएट. हाँ? किस चीज के लिए तुम्हें फॉल्स नोशन था नच बलिए को लेकर? कि बहुत आसान होगा, जितना आसानी से हमने कोरियोग्राफी सीख ली थी. अच्छा, ये वाले प्रोमो को देखकर? इस प्रोमो की जो कोरियोग्राफी थी इतनी आसान थी कि मुझे लगा था इतना ही आसान पूरा नच बलिए होगा. बट आई वाज रॉन्ग. इट वाज डिफिकल्ट बट फन. या ओके ओके, नाउ माय नेक्स्ट पिक्चर इज दिस. Two hotties together. Two looking good in this. Yeah, looking nice. You're also looking nice. Look at those arms. So he was looking at himself. Look at those arms, though. मेरे ना. हाँ. ये देख रहे हो? ये cuts देख रहे हो? ये डोले. यार ये ना, लोग ना मेकअप करते हैं ऐसे ऐसे arms बनाने के लिए. ये calves देख रहे हो? ये calves. You know ये जो calves है ना, ये भी जलते हैं मेरे इन काव से. इंटरनल सीक्रेट. हाँ ये तो है. बट सीरियसली थैंक गॉड मेरे बॉडी का कोई एक ऐसा पार्ट है जिसे ये तो बताओ हेल्थ वाइज जलते हैं. ये तो बताओ कि व्हाट डज दिस रिमाइंड यू ऑफ? ऑनेस्टली मुझे इतना याद आ रहा है कि मैं शूट से वापस आई थी. वाओ, मेरा हेयर वैसे ही डन था एंड यू वर इन फोटोग्राफी मूड एंड वी स्टार्टेड डूइंग दिस. और भी कुछ याद नहीं आ रहा यार. ये तो दिस इज वेरी विजिबल व्हाट यू जस्ट सेड. गाइस प्लीज टेल हर दैट दिस इज नॉट अ 30 ईयर ओल्ड पिक्चर, दिस इज अ 3 ईयर ओल्ड पिक्चर. या ऑफ कोर्स नच बलिए के दिन की है, मतलब रिहर्सल हॉल की. ओ वाओ, क्या बात कर रही हो? मुझे लगा हमारे लिविंग रूम की है. नहीं, पर कुछ खास और भी कुछ था क्या? कौन सा गाना प्रिपेयर कर रहे थे हम इसके लिए? See, this is what I do. I get out of my our arguments that easily because she doesn't remember anything. So this was our okay. Let me give you a hint. Tumhara best performance, tumhara favorite performance kaun sa tha nach baliye mein? Tang utha ke. To ye tang utha ke ki rehearsal thi. It was that. Yes. तभी तो मैंने उठाया हुआ ना, तुम्हारी टांगे उठी हुई हैं. Oh, it was that day. Yeah, yeah. But why do you like टांग उठा के that much? What was the reason? क्योंकि टांग उठा के was a tango dance. Tango जो मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं कर सकती हूँ. मेरी तो टांग भी उतनी ऊपर उठ पाई मैंने कभी नहीं सोचा था. And
जब वो मैंने देखा था कोरियोग्राफी, वैभव एंड आशु, उन्होंने जब हमें, श्वेता ने ये जब कोरियोग्राफी दिखाई, आई वॉज लाइक डेड कि ये हम कैसे कर सकते हैं. दिस वॉज आवर फिनाले एक्ट, राइट? फिनाले, या दिस वॉज द फिनाले एक्ट. और हमने कहा भाई तुम लोग क्या लेके आ गए हो, ये तो हमसे ना हो पाई. बट द वे वी डिड इट, ऑनेस्टली मुझे नहीं मालूम ऑडियंस को कैसा क्या लगा, अलग अलग ओपिनियंस. मैं देख के खुद की फैन हो गई. खुद की फैन होगी, वाह. मुझ जैसी लड़की जिसको टैंगो और सालसा और ये सब नहीं होता, पहली बार इस तरह का डांस करना, हमने बहुत अच्छा किया था. करेक्ट. अपने मुंह में मिट्ठू हो रहे हैं, बट हाँ हमें मजा आया करने में बहुत. इट वाज गुड. एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि एक तो टैंगो इतना क्लासी सा होता है और बड़े अंग्रेजी की तरफ जाने वाला डांस है, और हमने इसको एक इंडियन मिक्स दिया था. So, इसका जो वो फ्यूजन साइड था ना, वो बहुत मजेदार था. It was actually funny, wasn't it? Yes. Okay. So, next one. Next slide is this. गाना मत पूछना, मुझे याद है हमारा पहला वाला है. What? पहला डांस है. ये पहला डांस है. ये पहला डांस है. अरे नहीं, पहला तो पिंक ड्रेस था, तो दूसरा है ये. पिंक ड्रेस. पहला गाना का टाइटल पिंक ड्रेस था. नहीं, पहला पिंक ड्रेस में हमने वो किया था. गाना कौन सा था? ओह शिट. इतनी हम सेटिंग करके आए थे पीछे से, लेकिन लड़का ना सुधरेगा नहीं. ओह शिट. यार ये देखो, ये हाल है. रजा इज गोइंग टू रिमाइंड अस. रजा प्लीज रिमाइंड अस. रजा, आर रजा. या इज देयर. हाय रजा. Raza is Vivek's friend from Australia. मुझे याद नहीं आना. So, बताओ ना. Okay, तुम्हें कोई भी गाने याद है? दो चार. ये ना लाइव से पहले मुझसे पूछ रही थी. अच्छा, हमने बता दूं? बता दूं? बता दो. तो ये लाइव से पहले मुझसे पूछ रही थी कि मुझे नच बलिया के बारे में याद कराना जरा. कि नहीं, क्या क्या याद कराना के अंदाज में नहीं पूछा. कौन कौन से, कौन कौन से क्या क्या बात करेंगे, हम क्या क्या बात करेंगे. तो मैंने कहा we'll just be spontaneous, you know, like how we've always been, and we'll go with the flow. But we should discuss something about it in prior, na? Yeah. So I didn't know what she was getting at, and this is what she was trying to extract. She was trying to get information because she doesn't remember anything from Nach Baliye. Later I did confess. I want to know what is this song. I want to know. Please guys, public wants to know. Our audience wants to know. They've supported us through thick and thin. They need to know. किसी ने कुछ तो लिखा होगा. रजा ने लिखा है, वाज अ सॉन्ग फ्रॉम ओम शांति ओम. वाह, ये हमारे फ्रेंड्स हैं. माय फ्रेंड, सो मच फॉर बीइंग अ बेस्ट फ्रेंड. ओम शांति ओम का कौन से गाने पे हमने डांस किया भाई? या वो पुराना हो गया, वो मेरे दुल्हन के टाइम पे चलता था. रजा, दैट वाज द सॉन्ग यू वर डांसिंग ऑन दैट डे इन फ्रंट ऑफ द मिरर. अच्छा, या ही वाज नॉट अस. कोई सजेस्ट भी नहीं. बोल दो ना जरा. आई आई लव यू. मेरा तो एपिसोड फ्लॉप हो रहा है. चीटिंग, बल्ले बल्ले. अब फर्स्ट सॉन्ग बताओ. फर्स्ट सॉन्ग हमारा ओपनिंग एक्ट, जिसके लिए हमें शाहरुख और काजोल के साथ कंपेयर किया गया था कि यू नो यू गाइस आर लाइक द टीवी वर्जन ऑफ देम. इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला था हमें. ऐसा मेरे साथ क्यों नहीं किया जा रहा? नहीं, एक्टिंग नहीं चलेगी, बताओ. क्यों मुझे, क्यों मुझे? शाहरुख और काजोल का गाना था भाई. क्लू दे रहा हूं. जब तक है बीबी. मैं नहीं बता रहा. मुझे बताना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है. मुझे याद दिला देना. हेल्प मी आउट. ये देखो, सो मच फॉर कपल गोल्स. कपल गोल्स बताओ जल्दी से. हो गई है. जल्दी से बताओ, पहला वाला गाना कौन सा था, किसको याद है, जल्दी से बताओ. गेरुआ. आई हाय, आई लव यू. बल्ले 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 बल्ले. गेरुआ ऐसे गाते हैं? पूरा बले, इंडिया बले, बले. पूरा इंडिया में गाते. कॉफी गिरती, वो बात अलग है. एक्साइटमेंट. चलो गेरुआ गा के सुना दो.
रंग दे तुम हे गेरना। यहाँ से स्टार्ट नहीं होता, अंताक्षरी का रूल है यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। सुनो, अगर ना ये करने वाले हो ना मेरे साथ, तो मैं ना इधर से जा रही है। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके ओके, सो मूविंग ऑन, जीरो आउट ऑफ, नो नो, आई गेस्ट बोथ, नो आई डिड, नो नो नो, दैट वाज चीटिंग, आई डिड, हु एल्स डिड, जीरो आउट ऑफ थ्री, जीरो आउट ऑफ, हमारा बच्चा हाय अभिषेक कैसे हो, when we gonna work out भाई, hopefully soon, work out करते हैं यार बहुत जल्दी, maybe you both can meet for some jogging session, jogging or we can go cycling, yeah, okay, चलो अब मैं तुमसे बहुत tough question पर, based on how you've been answering the questions, I'm going to ask you a question which विनिंग मोमेंट हम लोगों ने उस दिन ना नच बले की ट्रॉफी जीती थी और वो वाला दिन था 25 जून वो भी अभी बताया है ओके ओके सो एनी अदर इंटरेस्टिंग मेमोरीज दैट यू वांट टू शेयर एनी इंटरेस्टिंग मेमोरीज सी आई वुड लाइक टू शेयर दिस पिक्चर इज सो ब्यूटिफुल इजंट इट अच्छा अपना रिहर्सल बताओ तुम्हारा रिहर्सल कैसा हुआ करता था मेरा रिहर्सल हुआ करता था कितनी कम देर हुआ करता था तो हम लोग जब रिहर्सल पे पहुंचते थे मैं तो खैर पहले से मौजूद होता था दिव्यांका अपना शो खत्म करके शूट खत्म करके वहां पर आती थी और हम दिव्यांका को कोरियोग्राफी बताते थे और तुम्हारा रिएक्शन क्या होता था मेरा आम तौर पे रिएक्शन यही होता था ये कैसे होगा रेगुलर और आपका रिएक्शन मेरा रिएक्शन क्या होता था क्या बेबी क्या कोई भी कैसा भी स्टेप इनको बता दो वेरी पॉजिटिव हां ही वुड से इजी है नहीं ऐसा नहीं है कि इनको सब कुछ आता था और वो जाता था एक ही बार में मतलब ये कम से कम वो क्रिश था वो कौन सी फिल्म थी एक ऋतिक रोशन ना ऐसे ऐसे डांस कर रहा होता है वो सुपर हीरो होता है और वो डांस करते हुए देख लेता है स्टेप्स और फिर वो करने लगता है हाँ। वो देख के सीख लेता है हाँ। तो मैं नच बलिए का क्रिश था नॉट मतलब ये 20 बार भी अगर गिरते थे ना कुछ करते हुए फिर उठते थे और बोलते थे इजी है ये बेसिकली अपने माइंड को मैनिपुलेट करते थे मुझे बहुत बाद में पता लगा तो मतलब मैं पहले 2-4 बार तो मैं डिप्रेशन में चली गई Oh my God, ये कैसे कैसे स्टेप है और ये बोल रहे इजी है मतलब अरे यार दैट इज बट लेटर मुझे पता लगा ये अपने दिमाग के साथ खेल रहे मेरे यू आर या यू आर बेसिकली माय सिंपल फंडा ऑफ लाइफ इज दैट नेवर मेक इट टू बिग इन योर हेड डोंट जस्ट टेक इट इजी ऑल इज वेल 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 तो मैं अपने आप को यही बोलता था ऑल इज वेल But it worked for you, didn't it? It's always worked for me. Yeah, like he... Okay, our video got paused in between. Okay. For good. Video got paused. Okay, no, no. yeah, so nee, good. No, no, I won't tell you anything about you. I won't tell you anything. Okay, so moving on. Agla question. Agla question. तो तुम्हारा ये तो तुमने बता दिया कि तुम्हारा फेवरेट गाना जो था वो टैंगो था टैंगो वाला डांस था टांग उठा के एनी परफॉर्मेंस दैट यू डिडंट एंजॉय एनीथिंग दैट यू डिडंट लाइक Maybe it can be because of the choreography or how it was conceived, anything. There was.
I did not enjoy the aqua act. हमारा एक aqua act था जो कि actually aerial act था, but it was supposed to be seen through an aquarium. तो aqua करने के लिए you remember हम लोग को basically aerial जाने के लिए आपको एक दिन का ही practice मिलता है, एक ही दिन की practice मिलती है क्योंकि एक पूरी एक team आती है of dadas जो लोग dadas will not they won't understand technicians होते हैं in India in Mumbai we call them dada so stunt masters आते हैं they pull the ropes and then they release it on timing तो वो एक ही दिन का rehearsal it's a lot of manual labor and a lot of core control for the performer yeah and हमारे लिए पहली बार था ये right मतलब we done like normal aerial basic harness के साथ we done a few gigs here and there उसपे अपना TV show पे but you know what gets difficult is coordination is the word yes coordinating it with someone with your partner वो बहुत मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि हम लोग को जो भी मूवमेंट होना था वो साथ में करना था तो somehow मेहनत बहुत हो रही थी बहुत ज्यादा पर दिखाई नहीं दे रही थी ट्रांसलेट नहीं हो रही थी एब्सोल्युटली राइट तो yeah. हम लोग के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा आफ्टर वी वॉच्ड इट इनफैक्ट हमने जब तक नहीं देखा था हमको नहीं पता था हाउ इट केम आउट स्पेशली बिकॉज इट वॉज अ फिनाले एक्ट सो वी वांटेड इट टू बी लाइक फिनाले से पहले था शायद नहीं फिनाले ना सेम वीक एज टांग उठा के ना उस दिन हां टांग उठा के एंड दैट केम टुगेदर अगर मैं तुम्हें बताता वो फर्स्ट एक्ट था तो तुम मान जाती नहीं मुझे पता था पिंक ड्रेस वॉज द फर्स्ट एक्ट अच्छा सो we were playing on a video game PlayStation hum log khel rahe the aur I wanted her to try it out are yaar to maine kaha kitni dhajji udo to maine kaha chalo mere sath drag race karo boys don't unfollow me after this ha please itni scary lag rahi hai us light mein se jaake itna intimidating lag rahi don't unfollow me after this I'm hot yeah I'm hot ka aisa hota hai na definition hot ओके okay, अब आप बता दो हाँ, कि मुझे डर है कि इसके बाद सब मुझे अनफॉलो कर देंगे कुछ भी इतना नहीं तो सो हम लोग ड्रैग रेस कर रहे थे एंड आई वाज चूजिंग माय कार्स सो यू नो दे मेक इट लुक वेरी रियल द गेम इट्स डिजाइंड दैट वे सो आई वाज चूजिंग ऑल दीज फैंसी कार्स नो यू हैव योर बेंटलीज एंड योर फरारीज एंड दिस एंड दैट सो I showed it to her. I said, "Look, how cool these cars are. So, which one do you want?" And there was a huge list to choose from. There was a BMW, Mercedes, Bentley, Rolls Royce, whichever you name it, and it was there. She looks at them and she says, "Red wali." I said, "Excitement zyada tha. Mujhe red wali." Yeah. So, ऐसा होता है इनके साथ. तो pink wali dress is the first performance. पूरा विश्व जानना चाहता है रजा जानना चाहता है आपका फेवरेट एक्ट कौन सा था मेरा फेवरेट एक्ट था मल्हारी हाँ नहीं मेरा फेवरेट एक्ट था स्लीवलेस उसमें मैंने स्लीवलेस पहना था आपने तो उसमें साइको एक्ट में भी स्लीवलेस पहना था ओप्स सॉरी नो मेरा फेवरेट एक्ट था स्लीवलेस वन मेरा फेवरेट था स्लीवलेस विद दाढ़ी वाह हमारे फॉलोअर्स ने कभी ऐसे नहीं देखा होगा इस नजरिए से एक्ट्स को नहीं देखा होगा नाउ दे रिमेंबर इट डिफरेंटली या नाउ दे विल मेक एडिट्स विद स्लीवलेस एक्ट्स या और नो आई एंजॉयड आवर शोले एक्ट आल्सो हां गब्बर एक्ट दैट वाज अ लॉट ऑफ फन वैभव के साथ में हां दैट वाज अ लॉट ऑफ फन जिसमें ये अनयूजुअली आमतौर पे क्या होता है कपल्स में से एक हीरो होता है एक हीरोइन होती है ये हीरो नहीं थे फॉर अ चेंज ही वाज द गब्बर या एंड इट वाज फन यस या या इट वाज अ लॉट ऑफ फन वी वर रियली ट्रबलिंग हिम मी एंड वैभव मजा आया बहुत मजा आया उसमें और मल्हारी वो मेरा भी फेवरेट है हां मल्हारी में एक्चुअली ना मल्हारी का जितना मुझे फील हो रहा था उस टाइम पे
कि आई एम पुटिंग इन माई 500%, आई एम जम्पिंग ऑल्सो. सो एट द टाइम ऑफ रिहर्सल्स आई यूज टू थिंक दैट आई एम गोइंग रियली हाई अप एंड आई एम कमिंग डाउन, बट वेन वी वॉच ourselves ऑन द स्क्रीन अगेन इट डिड नॉट ट्रांसलेट द एनर्जी द जम्प. मैं बता रही हूँ, it showed aggression but not to the degree that we were feeling. हम कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रहे थे हमारे बारे में. नहीं, वो क्या है ना Viv, अभी अगर वो मैं रिकॉर्ड करती ना आपका फोन पे तो मुझे पता होता आपका कौन सा एंगल अच्छा है. आपको सिनेमेटोग्राफर मुझे ही रखना चाहिए. राइट, अगली बार तुम ही करना. नचबलिए मैं किसी और के साथ करूंगा, फिर तुम डीओपी बन जाना. इस बार आप वो कर लेना. दूसरा शो कौन सा है? झलक दिखला गया. झलक तो पता नहीं. हाँ, so that was that, and or Sadma act was also very emotional. It was. You were extraordinary in it. Pata hai Sadma? Of course, I remember Sadma. Pink shirt. The pink shirt act. Pink chunni. Pink chunni. Yeah. The pink chunni act was and also very good. And mera skirt wala act. Haan. Yeah. So nahi, so Sadma. उसके बाद था जब मेरा रिकवरी चल रहा था फ्रॉम स्लिप डिस्क, तो तब ये कोशिश थी कि मुझे कुछ बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट्स ना दिए जाएं, सो मैक्सिमम काम विवेक का था उसमें. ये शी वाज एक्चुअली वेयरिंग अ बेल्ट अंडरनीथ हर ड्रेस. शी वाज वेयरिंग अ वेरी थिक बेल्ट टू काइंड ऑफ होल्ड हर बैक अंडर दैट वन. देन फिर नच, वो माधुरी जी का जो गाना था. हाँ, बताओ कौन सा था? माधुरी जी और माइकल जैक्सन. बताओ ना, बोलो ना, जनता जानना चाहती है. बताओ ना, पब्लिक कितने क्यूट हो आप, बोलो ना. माधुरी जी वाला, माधुरी जी और माइकल जैक्सन. अरे चने के खेत में नहीं था वो, मुझे पता है. वो चने के खेत में तो बहुत ही अच्छा करती. कौन सा था? अरे प्राची. नहीं, प्राची इज देयर. हाय प्राची, बताओ. हाउ आर यू प्राची? वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिमाइंड हर ऑफ द नच बलिए एक्ट्स. तो उसको कोई भी गाने नहीं याद आ रहे हैं, तो मैं रिमाइंड करा रहा हूँ. शी रिमेंबर्स दैट द परफॉर्मेंसेज बाय द ड्रेसेस शी वोर एंड नॉट बाय द टाइटल सॉन्ग. बताओ क्या? माधुरी जी और माइकल जैक्सन वाला गाना कौन सा था? घाघरा. घाघरा 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 है, घाघरा घाघरा है, घाघरा. देखो एक बार बस बोल दो वर्ड, बस एक बार वर्ड बोल दो. गेरुआ गेरुआ. सिंपल है, वही तो मैं बोल रही हूँ. छोटी सी एक क्लू देनी होती है, दिव्यांका को ऐसे पकड़ लेती है. बहुत शानी है ये. देखो टॉपिक कहाँ का कहाँ चला गया. मैं बता रही थी कि उसमें भी घाघरा वाले परफॉर्मेंस में मैंने अंदर बेल्ट पहना हुआ था. हाँ. इसका इतनी सी बात थी, लो इतनी बात कर रही उसके लिए. हाँ. ओके, पहली याद दिला. ये एक्चुअली ये वाली गेम अच्छी है यार. मैं कहाँ वो कार्ड्स में चक्रों में पड़ा हुआ था. ये वाली गेम रुको. हाँ, मेरे मजे लेने में ज्यादा मजा आता है. तो अभी अभी मैं एक और पूछता हूँ. गाइज यू कैन सेंड इन योर क्वेश्चंस. यू कैन सेंड इन योर क्वेश्चंस. हाँ, अच्छा, आपको कौन सा परफॉर्मेंस नहीं पसंद था या आप सेटिस्फाइड नहीं थे? अच्छा चलो, एक एक परफॉर्मेंस किया था हमने फैंस के लिए. जो कि ट्रॉली एक्ट था. हाँ, कितना अच्छा था ना वो, बहुत क्यूट था. तू न जाने आस पास है खुदा, इसी खुदा के कारण मुझे याद है. क्योंकि हम लोग आधे टाइम यही करते थे. तू न जाने आस पास है खुदा. बट यार वो बहुत मजेदार था, मुझे इतना अच्छा लगा राउंड ट्रॉली एक्ट. थैंकफुली हमें फॉर अ चेंज कुछ हटके झामा दिया गया था. हम लोग पता नहीं क्यों झामे नहीं मिलते थे कोई भी. झामाज यू डोंट नो, मैं आपको बताती हूँ. इट्स अ वेरी मुंबईया कोरियोग्राफर्स लैंग्वेज. तो कोरियोग्राफर्स जब कुछ परफॉर्मेंस प्लान करते हैं, अगर उसमें कुछ स्पेशल स्टंट डालते हैं, इट कैन बी अराउंड अ प्रॉप, इट कैन बी रिलेटिंग टू अ स्टेप और मे बी सम स्पेशल एक्सप्रेशन, क्लोथ्स रिलेटेड समथिंग, जो भी स्पेशल है ना, जो कि एकदम से ग्रैब करे अटेंशन, उसको कहते हैं झामा. सो हम लोग को उतने झामाज आमतौर पर नहीं मिलते थे, बट आई वॉज सो हैप्पी विद दिस राउंड ट्रॉली एक्ट. मुझे बहुत कुछ करने को मिला है उसमें. बाहर लटक के ट्रॉली के और मेरा तो अच्छा, मेरा तो अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता था. कि वो ट्रॉली वाज एक्चुअली हैवी, तो उसको पुश करने में ना, और इट वाज अ मेजर टाइमिंग का खेल फॉर अस.
क्योंकि जरा भी हमारी टाइमिंग, क्योंकि मैं वहां पे एक जगह पे जाके ट्रॉली के नीचे लेट जाती हूँ, तो मेरे ऊपर से ट्रॉली, वो ट्रैक के अंदर लेटी हूँ एंड ट्रॉली मेरे ऊपर से जाती है. सो अगर मेरा सर टाइम पे नीचे नहीं जाएगा तो इट वुड हैव हिट मी. एक बार तो इनफैक्ट मैं स्लाइड होके बाहर से गिर भी गई थी. सो आई गॉट हर्ट, बट देन बाय देन वी हैड बिकम वॉरियर्स. मजा आ रहा था तब तक तो. सो ओके, तो ये तो अच्छी अच्छी वाली बातें हुई. एनी एक्ट जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि हम मैं ऐसा चाहता था, वैसा चाहता था, एनीथिंग? आई थॉट द अच्छा वो वाला कौन सा एक्ट था जिसमें मैं साइको था, तुम्हें कैप्टिवेट करके रखा होता? इट्स समवेयर हियर. इट्स हाँ क्या? इट्स समवेयर वेयर? मेबी वो कहीं है मेरे दिमाग में. आई एम श्योर, आई एम श्योर. आई जस्ट हैव टू गिव यू अ स्मॉल क्लू. यस You have to. The small clue is, ये दिल तन्हा क्यों रहे? देखा, पकड़ लेती है, पकड़, यू पकड़ लेती है. पकड़ तो तेज है मेरी. एक्चुअली मेरा फेवरेट एक्ट बताऊं, मेरे को अभी याद आया, someone has just mentioned, हम भूल गए थे. लो, ये भी भूलते. नहीं नहीं, मैं भूल गया था कि हमारा फेवरेट एक्ट कौन सा था. शम्मी जी वाला. अगर दैट वन थिंग, अगर वो चेयर स्लिप नहीं होती ना, वो एक ऐसा एक्ट था ना, दैट वाज बैंग ऑन था. गुड एक्ट यार. माने में दर्द इसलिए ज्यादा हुआ कि एक चेयर खिसकने के कारण, एंड फिर वो एक स्टेप नहीं पकड़ पाए तो आगे के पांच स्टेप ऐसे हो गए, मैं हिल गई. वरना उसके पहले वी वर सो कॉन्फिडेंट, आई वॉज सो कॉन्फिडेंट, एंड दैट्स वाई मे बी आई वॉज मोर हार्ट ब्रोकन कि ये वाला नहीं हो पाया, बिकॉज इट वॉज लाइक वी थॉट वी वर टोटली देयर, मोर देन देयर. या आई लव दैट वन. नो, जस्ट एवरीथिंग फ्रॉम द कॉस्ट्यूम टू द बैक डांसर्स टू द प्रॉप्स. आई डिसअपॉइंटेड यू इन दैट वन. नहीं, आई मस्ट हैव डिसअपॉइंटेड यू. You mad? It could have happened to anyone. You know, the chair, it's actually a very smooth flow. The stage is very smooth. So it was just a regular chair. Yeah. So वो उसके ऊपर कोई grip, उस पे कोई grip नहीं होती ना. So वो हो जाती है slip. तो हल्का सा भी touch होगा तो naturally it would have. So yeah, but we still pulled it off. Yeah, you made me. No, we still pulled it off and we still got good appreciation. Okay, so guys, if you have any questions concerning Nach Baliye. Hey, bhai, kaun bol ke ja raha hai? Oh, hello. Navya, Naya. Kaun ja raha hai, bhai? Hey, bhai. Vaishali, hey. Vaishali. Hey, bhai, kaun? Kaun bol raha hai, bhai? How can you go, Vaishali? Hey, hey, Vaishali. Vaishali, Vaishali. Suno na. अरे सुनो ना वैशाली, कहाँ जा रही हो? लॉकडाउन है, कहाँ जा रही हो? चिल करते ना, आज भी तुम्हारे लिए पकौड़े बना दे. वेटर, वैशाली के लिए एक प्लेट पकोड़े लेके आओ. और तुम रात को ख्यालों में खा लेना हमारी तरफ से. ऐसा सोचना कि मैं और विवेक अपने हाथों से खिला रहे हैं. मम्मी को बोल देना बढ़िया से बना दे, और इमेजिन कर लेना कि हमने इन खूबसूरत हाथों से तुम्हें बना के खिलाया है. ट्रॉफी, अरे ट्रॉफी कहाँ है? That's a good question. Wait, I'll get the trophy. Hey, why don't we take them to the trophy? अच्छा चलो, ला रहे हैं, चली गए. ये इतनी मोटी है ट्रॉफी कि इसके लिए घर में जगह ही नहीं है, इसको विंडो पेन पे रखना पड़ता है. Yeah. Now how do I switch? Okay. What? Nothing. Ajo, ajo. Ah. Okay. So ये तो रही हमारी एक छोटी सी सेलिब्रेशन. हाँ, ये दिस वाज राइट आफ्टर. अच्छा वो बताओ ना कि तुम नच बलिए की जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, उस दिन तुम घर से दो ड्रेसेस लेके गई थी.
दो ड्रेसेस लेके गई थी ना घर से, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था उस दिन तुमने दो ड्रेसेस क्यों पैक की थी? पहनने के लिए की होगी, दो, एक के ऊपर एक। फिर कि अगर जीत गए तो उसके लिए था क्या पार्टी, आफ्टर पार्टी? आफ्टर पार्टी नहीं, तुमने दो ड्रेसेस इसलिए पैक की थी कि इन केस हम लोग नहीं जीते तो एक ग्लैमरस, तुम्हारे पास एक ग्लैमरस ड्रेस थी ना। हाँ ये वाली, हाँ ये पिंक वाली, देखो एक और पिंक ड्रेस। मुझे याद ही नहीं है मैंने क्यों पैक की थी, क्यों की थी आप बता दो ना, क्यों टेस्ट ले रहे हो मेरा? अरे क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर हम जीतेंगे नहीं तो ये ड्रेस ऑड लगेगी इतनी ज्यादा। This was an evening, nice fancy evening gown and she thought that if we don't win it, then what's the point? तो तुम एक white dress भी लेके गई थी शायद साथ में। ये देखो। हाँ, मतलब एक घर का कपड़ा लेके गई थी और एक अच्छा कपड़ा लेके गई थी। I was ready. नहीं लेकिन जो अच्छा था वो भी घर का ही था, मतलब घर से ही लेके गई थी। हाँ मतलब वही है, पब्लिक समझ गई भावनाओं को, राइट पब्लिक। सो और बताओ नच बलिए, कोई ऐसी चीज है जो नचबलिए की जर्नी के दौरान आप मिस करते थे? नचबलिए के दौरान? क्या नचबलिए के दौरान नहीं, सब अच्छा जा रहा था, कुछ भी नहीं। क्यों तुम कुछ मिस करती थी क्या? मैं फास्ट फूड बहुत मिस करती थी। अरे हाँ यार, तुम फास्ट फूड नहीं खाती थी ना। I had to be good to him ना, like he was my husband, so I had to be considerate कि इन्हीं को मुझे उठाना है, तो अब ये उठाने वाले तो फिर I had to थोड़ा सा reduce weight, तो मैं थकी हारी आती थी और like boring खाना ही खाती रहती थी, और मेरे सामने सब लोग की अरे इतनी कैलोरी बर्न हो रही है, मैं पिज्ज़ा खा रही हूँ, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो सबका वो चलता था और मैं तो कुछ नहीं करता था, मैं तो सब खाता था। तो आप क्या मिस करते थे, कुछ भी नहीं? अरे यार मैं तो मिस क्या करना, वो तो दैट टाइम वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माय लाइफ बिकॉज़ आई कुड ईट व्हाटएवर आई वांट। आप मिस करते थे कुछ? क्या मिस करता था? ये हर आधे घंटे में आइसक्रीम मिस करते थे, हर आधे घंटे में। आधे घंटे में ज्यादा हो गया। अच्छा। पर दिन में दो खाता था मैं, दो आइसक्रीम। तीन सही लगाओ। कभी कभी हो जाती थी तीन, अदरवाइज नो, दो में। सोचो भारत, सोचो कितना अन्याय है ये मेटाबॉलिक रेट्स के साथ में, कि एक का मेटाबॉलिक रेट ऐसा था कि वो तीन खा सकता था और एक का ऐसा था कि वो ओके मैक्सिमम। ओके सो गाइस, अरे आयशु डोंट गो यार, चिल ना। क्या कर रही हो यार आयशु, सिट ना, सिट, बैठना। सरिता, हाय सरिता शुक्ला, क्या बोली सुश? पिछले कमेंट्स पढ़ रहे थे। हाँ सुश ने ऐसा क्या बोल दिया जो नाइस आइडिया, हाँ हाँ कर रहे हैं सब के सब। केक खाते थे, यस यस यू आर राइट, मतलब केक किधर भी कटे सब लोग अपने अपने पोजीशन पे चले जाएंगे एक्सेप्ट फॉर मिस्टर ताया। अरे क्योंकि वो वहाँ पे लावारिस पड़ा होता था बेचारा, केक कोई खा नहीं रहा था तो, तो मुझे बुरा लगता था उसका। हाँ यार ये सबसे अजीब चीज थी, मतलब केक आता था और लोग इतने कॉन्शियस होते ना इंडस्ट्री में कि सब लोग उस केक को छोड़ के चले जाते थे। बताओ कभी ऐसे केक के ऐसे दिन थे क्या इससे पहले तक? लेकिन आजकल कैसे दिन आ गए ना केक जैसी चीजों के, कोई पूछता ही नहीं है। बट ही वॉज देयर, आई एम ऑलवेज देयर, यू कैन फीड मी एनीथिंग, आई एम हैप्पीली वेरी हैप्पीली एवर जॉयड एक्सेप्टिंग इट। ओके ओके सो ये तो रही नचबलिए की बात। So we are extremely thankful for each one of you who've come around, who was there to vote for us. By the way, did you know an interesting fact to know? You guys will really cherish this. I got to know like a few months later कि हमारा जो voting था, जो voting bank था, उसमें कितना अंतर था, कितना difference था बाकी के जो हमारे competitors थे। तो जो हमारा final, जब हमारे final votes आए थे, and thanks to you guys, we were miles ahead, miles, like almost 3 times ahead of our competitors. This was thanks to you all. And thank you so much. When I got to know, I said, whoa, that is so cool. You know how हमें ये बात कैसे पता लगी? So we were being promoted lesser.
सो हमें ऐसा लगा, इनफैक्ट सबको ही कुछ ना कुछ लगता था, वो जर्नी ऐसी होती है, सबको सबको प्रेशर होता है, टेंशन होता है, इग्नोर्ड फील होता है, होता ऐसा नहीं है लेकिन इंटरनल थॉट प्रोसेसेस होते हैं. सो वी थॉट दैट हमारे प्रमोशन इनफ नहीं हो रहे हैं वोटिंग के लिए स्पेशली. तो हमने इशू रेज किया एंड दे सेड दैट वी डोंट हैव टू प्रमोट यू, वी डोंट नीड टू, यू आर माइल्स अहेड, सो प्लीज जस्ट स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन अबाउट इट. सो वी वर काइंड ऑफ सरप्राइज्ड क्योंकि ये हमारे सामने तब तक ये बात आई नहीं थी. या सो थैंक्स वेरी मच गाइस, थैंक यू. You're the reason, together with our hard work, obviously, but you are a very, very, very strong reason. You were motivating forces in our life. हम लोग कई बार बहुत ज़्यादा down feel कर रहे होते थे. बहुत pressurizing हो जाता है पूरा schedule आपका and then competition. आपको नया step, हर बार कुछ नया सीखना होता है and always there's a new pain in your body. हर बार आपके शरीर में पता लगता है कहीं नई जगह पे दर्द है. सो इट वॉज अ टफ प्रोसेस, बट आप लोग का जो प्यार और प्रोत्साहन था, ये बस ऐसी प्रीची बातें नहीं है, ये आई एम नॉट बीइंग डिप्लोमेटिक व्हाइल सीइंग इट, ये हम रियली मीन इट. वी वर वॉचिंग द वीडियोस टुडे इन द मॉर्निंग एंड वी वर जस्ट चेरिशिंग and we thought that and this is the primary reason why we decided to come on live, that you know we have to go and show gratitude and tell them that you mean a lot to us. Yes. No, honestly. Besides that, hamari ek bahut hi special team hai jo ki us samay hamare sath thi, and agar aapke sath log nahi khade ho aapke apne, तो भी मेरे ख्याल से जर्नी इतनी आसान नहीं हो सकती, जिसमें हमारे मैनेजर्स थे आर्यन, श्रुति, कृति, विकास. हमारे मैनेजर्स वाज एक्चुअली द रीजन व्हाई वी डिसाइडेड टू डू नच बलिए टू बिगिन विद. दे हैड सो मच फेथ ऑन अस. दे हैड सो मच फेथ. दे सॉ अस डांसिंग इन ड्यूरिंग अ संगीत एंड आर्यन केम टू विस्पर एंड ही सेड सर नच बलिए. मैंने कहा क्या यार पागल है क्या, अरे नच बलिए जैसा थोड़ी आता है हमें, तो हम तो बराती डांसर हैं यार, हम तो वैसे ही नाच कूद करने वाले हैं लेकिन प्रोफेशनली वी कांट. नहीं नहीं सर आप कर लेंगे, मैम भी कर लेंगे, आप दोनों बहुत अच्छा करोगे. सो दे हैड फेथ एंड दे वर द रीजन टिल द वेरी लास्ट मिनट वी वर नॉट अग्रीइंग ऑल्सो. हम करना नहीं चाह रहे थे, वी सेड यार इट्स टू मच ऑफ रिस्क, थोड़ी बहुत इज्जत कमाई इंडस्ट्री में तो वो कचरा हो जाएगी. और फिर हमने सोचा चलो ठीक है, हम ये सोच के चलते हैं कि 4-5 एपिसोड भी निकाल लेंगे प्यार से एक दूसरे के लिए करेंगे. अब मतलब ये कि वो लोग क्योंकि इंसिस्ट कर रहे हैं और हम कुछ नया सीख कर आ जाएंगे, तो इसीलिए फिर हमने शुरू किया. बट देन आप देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. आई मीन आफ्टर द फर्स्ट वीक उतरते हो तो तैर के ही निकलोगे. वंस वी हैव डन, वंस वी डिड द पिंक ड्रेस एक्ट, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. Then we just kept on changing our dresses and just kept going and going and going. Yellow ke karan bahut sahara mila. Fir yellow kab hui, pink kab hui, grey kab hui, green kab hui, we didn't care. Ho gaya. So anyway. Interview mein kitna abhi ha. Acha anyway. Besides suno nahi. Abhi anyway nahi. Hamare managers, fir hamari jo makeup hair ki team thi. शाहरुख, जायदादी, मनोज, who used to come from भोपाल ऑल द टाइम, फिर जारा आर मेकअप आर्टिस्ट. देखो दिस इज द मोमेंट जब मैं सब लोग को थैंक यू कह सकती हूँ क्योंकि ये लोग खड़े थे साथ में, लाइक लिटरली. करेक्ट. बिसाइड्स हमारी फरनाज, हमारी फिजियो जो हर दिन इनकी मरम्मत करती थी डांस के बाद जो भी डैमेज होता था, बिकॉज़ शी हैड अ स्लिप डिस्क इशू एंड सम कार्टिलेज प्रॉब्लम. हम फोर्ड वर्सेस फरारी देख रहे थे ना, तो जैसे ही वो कार एक राउंड करके आती है, पिट स्टॉप होता है तो फिर कार की सब लोग मरम्मत करने में लग जाते हैं, यहाँ से. तो वो मेरे साथ होता था कि कार जैसे ही कुछ करके आती थी वैसे मेरी मरम्मत करने में मेरी फिजियो लग जाती थी, बिकॉज आई हैव सम एनीवे आई हैव नथिंग नाउ. चलो आगे बढ़ते हैं. हां एनीवे गाइस, another reason why we wanted to do this live was just to check on your well-being, your mental status, you know, your mental state of mind. That we are hoping that each one of you is keeping busy, keeping yourself distracted, because obviously there's a lot of negativity as we all know, but don't lose faith and just
stay put. This time shall pass, and it's all going to be over very soon. Yeah, just don't lose faith, okay? Keep talking to people and show people your support. Show people that you count. Your near and dear ones, your family, your best friend, whoever it is. I feel that even if you have one or two people besides your family, your immediate family, even if you have one or two friends, you should consider yourself really lucky, because that true well-wisher, you don't find. But सच यही है कि आप कहीं पे भी हो, किसी भी लेवल पे आप काम करते हो, किसी भी फील्ड में हो, असली में तो क्लोज फ्रेंड्स दो या तीन ही होते हैं, और चलो आप बहुत लकी हो तो 5 से 10 होंगे जिनसे आप दिल की बात कर सकते हो. तो ऐसा कभी भी नहीं है कि आप दोस्तों के अभाव में हो. बस जस्ट फाइंड रियल गुड फ्रेंड्स अराउंड यू. और दूसरी चीज़, लुक एट पॉजिटिव साइड ऑफ एवरीथिंग. कई बार क्या होता है, हम मैंने एक पिछले पहले भी एक इंटरव्यू में मैंने ये बोला था, और मैं बहुत स्ट्रांगली इस बात में बिलीव करती हूँ कि अगर हमारे सामने 10 सिचुएशंस हैं, 8 बहुत अच्छी हैं और 2 खराब हैं, हमारी तुरंत नज़र 2 खराब सिचुएशन पे जाती है. आप अपनी, अभी मैंने आपको बताया है, इसको ज़रूर नोट करना, आपको सबसे पहले 2 खराब चीज़ें नज़र आएंगी. सो माई पॉइंट बींग, नेगेटिव की तरफ देखने के बजाय ग्लास हाफ फुल वाली जो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्लीज़ आप लोग अपनाओ. हर चीज़, हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होता है. आप जब उस पड़ाव को पार करोगे ना, देन ओनली यू विल रियलाइज़. मैं जानती हूँ ये बहुत ही डिफिकल्ट समय है, सब स्ट्रेस में है, और बहुत. आई हैव नेवर हैड एन एक्स बॉयफ्रेंड, जस्ट टू आंसर द लॉट्स ऑफ क्वेश्चन मार्क्स. नो, समवन्स आस्किंग मी इफ आई हैव हैड एन एक्स बॉयफ्रेंड. नो, मेरे लिए होगा. वाओ, दैट वाज अ जोक व्हिच यू किल्ड. आगे चलो. ओके, यू डोंट नीड टू आस्क अबाउट एक्सेस यार. आई हैड, या, बट यू डोंट नीड टू. एंजॉय अस. नो, आर वी नॉट गुड इनफ फॉर यू? लाइक वी बोथ हैड मेनी एक्सेस, सो एंड वी बोथ नो अबाउट इट. या, सो इट्स फाइन. या, प्लीज से हाय कर्नाटका. हाय कर्नाटका, कैसे हो आप सब? अच्छा, ओ कनाडा तो भी एक मैसेज आया है. ओ एंजल शरण, ओ किदा शर्मा, शरण कनाडा में जा अपनू, बहुत बहुत प्यार करते हैं. सो स्वीट यार, हमें कनाडा आने का बहुत मन है. काफी समय से हम प्लान कर रहे हैं, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद पता नहीं कब चीजें ठीक होंगी, हम कब ट्रैवल कर पाएंगे. बाय द वे, ट्रैवलिंग से मुझे याद आया कि हमें ट्रैवल करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, बहुत 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 ज़्यादा. बट वी आर ट्राइंग टू स्टे पुट एट होम. और हमारी ही तरह अगर आपको ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा मन करता है, तो हमारे पास एक आइडिया है. आप जाइए ऑनलाइन एंड अपने फेवरेट लोकेशंस देखिए, आपको कहाँ जाने का मन कर रहा है और वहाँ आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी है, उसकी एक प्रॉपर लिस्ट बना लीजिए, लिख लीजिए, और फिर उसको याद करके आप अपने सोफे पे या बिस्तर पे जाइए, आंख बंद कीजिए और फिर सपने देख लीजिए उसके. That's it. यही कर सकते हैं और यही करना. हो गया? हो गया. बट यही सबसे ज्यादा सेन टिप है आज के दिन ट्रैवलिंग का. मैंने एक्चुअली ये किया है. मैं ऑनलाइन जाती हूँ और मैं जाके देखती हूँ कि मैं कहाँ कौन से लोकेशन पे घूमने जाऊँ, और फिर मैं एक्चुअली जाके उसके बारे में स्टडी कर रही हूँ. तो इनफैक्ट आई एम इवन वॉचिंग ट्रैवल रिलेटेड शोज. आई एम मिसिंग ट्रैवलिंग सो मच, बट आई थिंक वील हैव टू रिजॉर्ट इट टू दैट, वॉचिंग शोज एंड वॉचिंग थिंग्स ऑनलाइन. ओके गाइस, सो ऑन दैट नोट आई थिंक वील टेक योर लीव. काफ़ी टाइम हो गया, 7 बज गए. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन, फॉर being a constant support for all the lovely edits, collages that you keep sending. We will repost them on our stories. If we happen to miss them, please don't take offense. We didn't do it deliberately, please. Understand that ke aapko importance nahi diya, to aisa nahi hai ki hum log aapse pyar nahi karte, wo miss ho gaya hoga genuinely. एक और चीज़ जाने से पहले मैं कहूँगा कि हमारा जो
हमारा एक समथिंग लिंक टू व्हाट यू जस्ट सेड अर्लियर दैट यू नो लुकिंग एट ग्लास हाफ फुल. We need to collectively start to understand that we have to stop judging people for what they do, what they say on internet or otherwise, because every person has a thought process, has a perspective, and we should learn to respect that. क्योंकि उसकी कोई उसके पीछे कोई ना कोई जरूर backstory होगी. Fair enough, you can have your point of view, but that doesn't mean that. You know, you're the only person who's correct and the other person's wrong. Or maybe that person could be wrong. But, you know, how to articulate it, how to convey it to the person that really shows us, you know, how to do it is, it's very important that our upbringing, our the way we are brought up and the way we've studied and the way, you know, we've carried out. I think we should maintain dignity in addressing anything. In fact, it should be allowed to be wrong at times. You can't always be right. And agar koi celebrity hai ya phir aapke koi dost hain ya aapke rishtedar hain, agar galat hai to kisi degree mein rehne do galat. Aap apna apna perspective samne rakho, unka sun lo. It should be always an exchange of ideas. Yeah. It should always be like a healthy debate and not ke and not like, you know, trash talk. That's not required. I'm sure you guys don't do it. But I think it's important that we educate people around us also. Someone trash talks to you, you don't need to get down to the same level and, you know, talk to them in the same tone or whatever. You can be the wiser one between the two of you and tell them, you know, it's not required. And we can just be like, we are all educated people. Yeah, we don't need to. We've all gone to good schools, brought up well. So we should keep that in mind while addressing anything. In short, we should all be trying to resolve issues. Issue हमें कुछ लगता है तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है. Yeah. वहीं ख़त्म कर दो. Yeah. और अभी सब लोग के लिए बहुत difficult time चल रहा है. हम ये सोचते हैं कि किसी एक particular वर्ग के लिए difficult होगा, ऐसा नहीं है. हर वर्ग परेशान है आज के दिन. अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, डिग्रीज अलग हैं लेकिन परेशानियां भी अलग प्रकार की हैं. सो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू ऑल एंड एक्सेप्ट एवरीवन होल हार्टेडली बिकॉज टुडे वी आर टुगेदर इन इट. या वी आर ऑल टुगेदर, इट डजंट मैटर, यू नो दिस ब्लडी कोरोना बिच, इट इज बाइटिंग अस ऑल इन द सेम मैनर. But yeah, excuse my French, but I just want to say that please be dignified and educate people to be dignified in the way we speak and the way we address our point of views. तो मैं कोरोना का कुछ फायदा बताऊं? हर चीज से कुछ अच्छा होता है, ये तो सब लोग बता चुके हैं कि आप अपनी हॉबीज ऑब्जर्व कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं. लेकिन आपको पता है ऐसी कई बड़े बड़े चेंजेस हैं जो कि इसी दौरान आ रहे हैं. इससे पहले कभी स्वदेशी की बात हुई नहीं थी. एक्चुअली हुई थी हवा हवा में, बट अब लोग एक्चुअली कंसिडर कर रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग कि हमारे देश में ही चीजें बनने लगे. वी आर प्रमोटिंग दैट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी और लोग अब कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, कितना मतलब हमारे यहाँ टेक्सटाइल अगर उस हिसाब से प्रमोट होने लगे. पहले तो हमारे यहाँ होता था आर्टिजन्स को स्पेशल मदद देने की जरूरत होती थी, राइट? लेकिन आज वैसा नहीं है. आज होल हार्टेडली लोग एक्सेप्ट करेंगे तो इट्स अ गुड थिंग. ऐसे हर चीज के साथ कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आता है. आप लोग वो ढूंढना शुरू करो. लेट्स डू दिस होमवर्क कि इस कोरोना के दौरान क्या क्या अच्छा हो रहा है. एनीवे, लूडो कोड नहीं हमें मत सेंड करो. हमें नहीं खेलना है लूडो क्योंकि एक बार लूडो में घुस गए तो फिर बाहर वहां से बाहर निकलना आसान नहीं है. इट्स अ क्रेजी एडिक्शन. एनीवे गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड ऑन दिस नोट वी विल एंड दिस एपिसोड ऑफ व्हाट इज द शो कॉल्ड की जीत. ओह वाओ, शी रिमेंबर्ड दिस, अदरवाइज आई वुड हैव रिमाइंडेड हर लेटर दैट ब्लैक शर्ट चैट. Black dress chat. Dress, yeah. Okay. Guys, take care. Have fun. Lots of love. Bye. Love you all. Bye. And now...